अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अब हम आपको सुनाते हैं सैयदना अय्यूब अलैहि सलाम का किस्सा अय्यूब अलैहि सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर खास इनका तस्करा फरमाया है लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है आपका नसबनामा यूं है अयूब बिन मौस बिन राजे बिन ईस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम इनके बाद सब के सब अंबियाए किराम इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अकेले سيدنا اسماعیل علیہ السلام की नस्ल से हैं इसहाक علیہ السلام के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है इसी nisbat इस से बनी इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे इनके बेटों को असबाद भी कहते हैं इनका तзкиरा कुरान में भी आता है अब सवाल यह है कि जिन असबात का तस्करा कुरान मजीद में अम्बिया कराम के साथ किया गया है क्या वो याकूब के बेटे थे या उन बेटों की औलाद में से थे अक्सर उलमाए कराम ने यह इशारा दिया है कि असबात लफ्ज से जिन अम्बिया कराम की तरफ इशारा किया गया है वो याकूब के बेटे नहीं हैं इसलिए कि उन्होंने तो यूसुफ यूसुफ्लाम के कत्ल की कोशिश की थी अपने वालिद से झूठ बोला था ऐसे और भी गलत काम किए थे तो इन हरकत के करने वाले अंबिया नहीं हो सकते जबकि इस्बात से मुराद वो किराम होंगे जो इन बेटों की नस्ल से आए होंगे बनी इसराइल के बारह कबीले थे और कबीले को सिप्त भी कहते हैं इसलिए इन्हें इस्बाद भी कहा जाता है यानी बनी इसराइल इन कबीलों में तकसीम हो गए इसी तरह سيدنا अयूब अलैहि सलाम سيدنا इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में से हुए सूरह अनाम आयत चौरासी में अल्लाह फरमाते हैं और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और, और हारून तो ये सब के सब سيدنا इब्राहिम अलैहि सलाम की नस्ल से थे अयूब अलैहि सलाम भी अल्लाह तआला के नबी और रसूल थे सूरह अननसा आयत एक सौ तिरसठ में अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है जैसा कि नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ और हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई अल्लाह ताला ने इन सब अम्बिया किराम अलहमसलाम की तरफ वही फरमाई और अयूब अलहसलाम भी इन रसूलों में से एक हैं अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम सूरान की तरफ मबूस फरमाया ये कौम मुल्क शाम में रिहायश पजीर थी आप बहुत ज्यादा मालदार थे अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था आपके पास बेशुमार मवेशी थे लातादाद नौकर चाकर थे अल्लाह ने आपको बहुत सी जराई जमीन भी अता फरमाई थी आप ताजर भी थे तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था अल्लाह कसीर औलाद भी अता फरमाई थी आपके यहां सात बेटे और सात बेटियां थी आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे आपके असहाब की तादाद भी काफी थी गोया अल्लाह ताला ने आपको गुना गुन से नवाजा था आप रूए जमीन पर नेमतों से माला माल शख्स थे अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाए आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया आपका सब मालो मता हलाक हो गया यहाँ तक कि आप फकीर हो गए आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई किसी का एक बेटा भी फौत हो जाए तो वो कितना गमगीन होता है मुतासर होता है याकूब सलाम पर गम किस तरह तारी हुआ यहाँ तक कि आपकी आंखों की बीनाई तक जाती रही मारे गम के वो घुल गए थे जबकि उनका कोई बेटा फौत नहीं हुआ था और इधर सात बेटे और सात बेटिया फौत हो गए यही नहीं तमाम माल मवेशी हलाक हो गए मामला इस पर भी खत्म नहीं हुआ आप शदीद मरज में मुबतला हो गए बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए उठने की सकत न रह गई यहां तक कि आपका गोश्त गिरने लगा आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो इस तरह सिवाय दो के सब साथी आपका साथ छोड़ गए कोई आपके करीब ना आता था जो दो साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे बस मुहतरमा आपकी खिदमत करती आपको खिलाती पिलाती आपको नहलाती फिर नौबत यहां तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताके कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें। ये थे अल्लाह के अयूब अलहिस्सलाम। इतनी बड़ी आजमश में पूरे भी एक दो माह नहीं पूरे बारह बरस जारी रही और एक कौल के मुताबिक अठारह बरस जारी रही आप इस दौरान मुजस्मय सब्र बने रहे आपने कभी किसी से शिकवा तक न किया यहाँ तक कि कभी जौज मोहतरमा से भी शिक्वा न किया साल साल इसी हालत पर गुजर गए एक बार आपकी बीवी ने अर्ज करने की जरा हिम्मत की और कहा आप अल्लाह के रसूल हैं अगर अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म फरमा देंगे आपकी हालत को बदल देंगे बीवी साहिबा के ये कहने के बावजूद आपने बीमारी के खत्म होने की दुआ न की अल्लाह मुझे रिस्क फरावानी अता फरमा बस रिजाए इलाही पर राजी रहे तकदीर इलाही पर खुश रहे आपने बीवी से फरमाया जरा बताओ तो हम कितना अरसा खुशहाली और फरावानी में रहे हैं कितना अरसा हम नाजो नेमत में रहे हैं उन्होंने जवाब दिया अस्सी साल ये सुनकर आपने फरमाया मुझे अल्लाह ताला से दुआ करते हया आती है जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूंगा कि वो मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे वा करे जब तक मुझ पर अस्सी साल न गुजर जाए जिस तरह मैं अस्सी साल नाजो नेमत की बहारें देखता रहा इसी तरह अस्सी साल तक मैं इसी हालत पर सब्र का दामन थामे रहूंगा तंदुरुस्ती का सवाल नहीं करूँगा आपके इस जवाब पर बीवी साहबा मायूस हो गईं, इसलिए कि उन्हें तो बीमारी के खत्म होने की और अच्छे दिनों के दोबारा आने की उम्मीद थी आपकी बात सुनकर वो बोली तब ये आजमाइश की घड़ी कब खत्म होगी चूंकि इस बात से अल्लाह ताला की नाशुक्री होती थी इसलिए अयूब सलाम नाराज हो गए उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खाई कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं उन्हें सौ कोड़े मारूंगा दूसरी तरफ नौबत यहां तक पहुंची कि लोगों ने आपकी बीवी साहिबा को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया उनका ख्याल था कहीं इनके शौहर की बीमारी उन्हें भी न लग जाए वो समझते थे कि अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी छूत की है लिहाजा ये बीमारी उनकी बीवी के वास्ते से उन्हें भी लग सकती है जब मामला यहां तक पहुंच गया तब आपने एक छोटी सी बात कही इसमें भी कोई वाज़ेह दुआ नहीं थी जबकि इस वक्त से बढ़कर दुआ के लिए कौन सा वक्त हो सकता था आपकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है सूरह अंबिया आयत तिरासी में है और अयूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आलिया है और तू है। मतलब ये कि आपने वाज़े अल्फाज में दुआ नहीं फरमाई ये नहीं फरमाया इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा इलाही मुझे रिस्क अता फरमा और मेरी हालत ऐसी ऐसी हो गई है तू रहीम और करीम है बल्कि यूं कहा व अंता अरहमुर रहीम अर्ज किया मेरी निस्बत मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में आपकी हालत को इस तरह बयान किया है सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमारे बंदे अय्यूब का भी जिक्र कर जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है गोया आपने इस बीमारी और मुसीबत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह ताला को इससे मुबर्रा उपाक ठहराया और इसे शैतान की तरफ मंसूब किया यू नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया बल्कि इसको गैर उल्लाह यानी शैतान की जानब मनसूब किया हदीस में भी इसी तरह आता है अल्लाह ती लमहे शरफ कबूलियत से नवाजा कितने ही मौके ऐसे आए थे कि इससे कबल भी आप दुआ कर सकते थे और वो कबूल हो जाती लेकिन आपने सब्र का दामन थामे रखा इसीलिए मुद्दतों से जरबुलमसल चली आ रही है सब्रयूब जब आपने अपने परवरदिगार से इस अंदाज में दुआ मांगी तो अल्लाह तला ने उनसे आजमाइश खत्म कर दी अल्लाह तूर साद आयत बयालीस में फरमाते हैं अपना पाओ मारो ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है जब उन्होंने पाओ जमीन पर मारा तो पानी का चश्मा जारी हो गया किराम कहते हैं, जब उन्होंने इस पानी से गुसल किया तो जिस्म के बेरूनी हिस्से से बीमारी खत्म हो गई और जो ही पानी पिया जिस्म के अंदरूनी हिस्से की बीमारी खत्म हो गई और ये अल्लाह अज्जा जल का अजीम एहसान है फिर से बिल्कुल तंदरुस्त बन गए उनकी और तो तवानाई लौट आई ऐसे सेहतमंद हो गए जैसे पहले कभी हुआ करते थे उनकी मोहतरमा तो पहचान सके उनसे पूछने लगी क्या आपने अल्लाह के नबी मेरे खावंद यानी मरज में मुबतला शख्स को देखा है अल्लाह की कसम जब मेरे खावंद सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा इस पर अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं उन्होंने हैरान होकर पूछा आप कौन हैं? तब वो बोले मैं अयुब हूं वो बोली सुबहान अल्लाह इसका मतलब है बीमारी खत्म हो गई अल्लाह ताला का एहसान हो गया इसके बाद अल्लाह ने उन्हें आहलो आयाल की नियमतें भी लौटा दी

छब्बीस बेटे बेटियां पैदा हुए ये रिवायत भी मिलती है कि छब्बीस बेटे ही बेटे थे बेटियां इसके अलावा थी अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत चौरासी में फरमाते हैं हमने उसको आहलो अयाल अता फरमाए बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी खास मेहरबानी से ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो मतलब ये कि उनकी जवानी वापस कर दी मालो दौलत लौटा दिया

अल्लाह उनको गुस्ल के दौरान ही उतारने लगे अयुब ने उनको कपड़े में जमा करना शुरू किया इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने तुझे मालदार नहीं बना दिया इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं बना दिया अयूब सलाम ने अर्ज किया जी हाँ मेरे परवरदिगार लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता उनका मालो दौलत सब वापस मिल गया आहलो याल भी मिल गए सेहत भी पलट आई यह सब अल्लाह के खास फजलो करम से था और उस अजीम सब्र के सिले में था जो उन्होंने किया था अल्लाह ताला ने उनकी आहलिया मोहतरमा पर भी नरमी फरमाई जैसा कि सूर्य स्वाद आयत चवालीस में फरमाते हैं और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू पकड़ो बिल्कुल बारीक तिनको की एक झाड़ू लो उसमें सौ तिनके हों उनको इकट्ठा कर लो इसके बाद फरमाया झाड़ू से इसे मार और कसम के खिलाफ न कर मतलब ये अयूब ने अपनी बीवी को सौ कोड़े मारने की कसम खाई थी अल्लाह ने यह तदबीर समझाई कि सौ तिनकों का झाड़ू लेकर एक बार उन्हें मारो और कसम पूरी करो कसम के खिलाफ वर्जी न करो इस तरह आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी को भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी जोज मुहतरमा पर खास मेहरबानी फरमाई अल्लाह सूर अंबिया आयत तिरासी और चौरासी में फरमाते हैं अयूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे यह बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है तो हमने उनकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उन्हें आहलोल अता कर दिए बल्कि उनके साथ अपनी मेहरबानी से वैसे ही और अता कर दिए ताकि सच्चे बंदों के लिए नसीहत का सबब हो इसी तरह अल्लाह ताला तूर सौद इकतालीस चवालीस में फरमाते हैं और हमारे बंदे अयूब का भी जिक्र कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है अपना पांव मारो ये पीने और नहाने के लिए ठंडा पानी है और हमने उन्हें उनका पूरा कुनबा अता फरमाया बल्कि उसके साथ अपनी खास रहमत से और अकलमंदों की नसीहत के लिए उतना ही और भी अता कर दिया और अपने हाथ में तिनकों की एक झाड़ू लेकर मार दें और कसम के खिलाफ न करें सच तो ये है कि हमने उसे बड़ा साबिर बंदा पाया वो बहुत नेक थे और बहुत ही रकबत रखने वाले थे ये जिक्र था सैदिना ऐयूब अलैहिस्सलाम का जो इख्तिताम को पहुंचा